Hi friends, my name is Prince Amma and you are watching The World. Friends, आज के वीडियो आदत के ऊपर होने जा रही है कि आदत क्या होती है, आदत क्यों होती है और आदत से हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए और आपके लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। सो इसलिए फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको हमारी बात समझ में आएगी। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बगल की बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सके सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह की आदतें पाई जाती है, जैसे कि कुछ लोगों को सिगरेट पीने की आदत होती है, कुछ लोगों को मोबाइल चलाने की आदत होती है, कुछ लोगों को गेमिंग की आदत होती है, कुछ लोगों को बुक रीडिंग की आदत होती है, कुछ लोगों को एक्सरसाइज और फिट रहने की आदत होती है, कुछ लोगों को ईटिंग की हैबिट होती है एंड कुछ लोगों को ट्रैवलिंग की भी हैबिट होती है। सो फ्रेंड्स, हैबिट क्या है? हैबिट एक साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में प्रोग्राम्ड है। इसलिए आदत अच्छे अपनाने चाहिए ताकि हमारे लाइफ में जो इम्पैक्ट पड़े आदत का, हैबिट का, वो अच्छा इम्पैक्ट पड़े। चलिए फ्रेंड्स, इस संदर्भ में डिटेल में बात करेंगे आगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों की हेल्प करना, कुछ लोगों की आदत होती है कम शराब पीना, कुछ लोगों की आदत होती है स्मोकिंग को छोड़ना, कुछ लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं इसलिए अपनी आदत चेंज कर रहे हैं, कुछ लोगों को मनी सेविंग की आदत होती है, कुछ लोगों की लाइफ एंजॉय करने की आदत होती है, वह पैसे तो कम कमाते हैं लेकिन लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं, कुछ लोगों को फिट रहने की आदत होती है, कुछ लोगों को नए जॉब पाने की आदत होती है, कुछ लोगों को ट्रिप पे जाना अच्छा लगता है, जर्नी करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को वेट लूज करना की आदत होती है, कुछ लोगों को जिम जाने की आदत होती है। ये आदत जो है वो साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो नेचुरल प्रोसेस है, ये हमारे बॉडी में प्रोग्राम्ड है। इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। We have to accept that we have some habits. Habits जो होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी में प्रोग्राम्ड है, यानी दिन भर में जितना भी काम करते हैं वो एक रूटीन में होता है ऑटोमेटिकली, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो 2 से 3 साल तक अपने माता पिता के संग रहते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है, उनको स्कूल भेजा जाता है, तो उनको तो घर में रहने की आदत हो जाती है, तो स्कूल में अच्छा नहीं लगता है उनको जाना, स्कूल जाना वो नहीं चाहते हैं स्कूल जाना, लेकिन जब स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं बाय फोर्स, तो उसके बाद स्कूल जाना ही उनको अच्छा लगने लगता है, घर में रहना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप देख सकते हो कि टाइम के साथ हैबिट जो है वो चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हैबिट इज नॉट अ फिक्स्ड आइटम, हैबिट इज अ फ्लेक्सिबल थिंग, ये फ्लेक्सिबल है, टाइम के साथ ये चेंजेबल है, ये चेंज होती रहती है। मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल कर लिया है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कॉलेज जाता है, तो स्कूल की आदत छूट के वो कॉलेज में आ जाती है, कॉलेज में लोगों को अच्छा लगने लगता है। उसके बाद हम जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बड़ी पढ़ाई पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद बहुत लड़के जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, जब जॉब मिल जाती है तो वो अपना जॉब करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ लोगों को फोटोग्राफी में जॉब मिलती है, कुछ लोगों को फार्मिंग में, गार्डनिंग में, कुछ लोगों को इंजीनियरिंग की जॉब मिलती है, कुछ लोगों को हॉस्पिटैलिटी की जॉब मिलती है एंड अलग अलग लोगों को अलग अलग की तरह की जॉब मिलती है उनके कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी के आधार पे। सो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि कोई किसी को होटल में जॉब लग गई, किसी को इंजीनियर हो गया, कोई लड़का मेडिकल लाइन में चला गया, डॉक्टर बन गया, अच्छा डॉक्टर है,
अच्छा काम कर रहा है। सो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि कोई इंजीनियर बन गया, उसको बोले कि जाओ जाकर स्कूल में पढ़ाई करो, तो वह क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वह जॉब में है, उसको वहां पे अच्छा लग रहा है, उस प्लेस पे अच्छा लग रहा है, उस काम में अच्छा लग रहा है। ही इज पैशनेट अबाउट हिज जॉब, नॉट इन हिज स्कूल, राइट? सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि टाइम के साथ कैसे हैबिट चेंज होती रहती है। फ्रेंड्स, आप आजकल देख ही रहे हो कि मोबाइल कितना इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है हमारे पूरी लाइफ की। एक दो साल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे होल लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ। पूरी लाइफ में मोबाइल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बता दूं कि 30 से 58 मिनट तक जब आप काम पे रहते हो, अपने ड्यूटी पे रहते हो, अपने जॉब पे रहते हो, तो कम से कम एक घंटे तक जो मोबाइल के नोटिफिकेशन होते हैं उनको बंद करके रखें। आप देख ही रहे हो कि सोशल मीडिया पे कितने लड़के जो हैं वो अपना टाइम ऐसे वेस्ट करते हैं, ऐसे किल करते हैं, जैसे कि मानो उन्हें वरदान में मिली हो। 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे तक कुछ लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि कम से कम आप 2 घंटे जो है सोशल मीडिया पे स्पेंड करो, उससे ज्यादा मत करो। 2 घंटे से ज्यादा स्पेंड मत करो, या फिर आप 10 सेकंड या 30 सेकंड तक ही स्पेंड करो तो और अच्छा है। अपनी हैबिट्स को, अपनी आदत को चेंज करो। कुछ लोग होते हैं 30 मिनट से ऊपर तक गेम खेलते हैं। आजकल आप देख रहे हो कि पबजी कितना ट्रेंडिंग में है, कितना ट्रेंड कर रहा है पबजी गेम। पबजी गेम कुछ लड़के ऐसे हैं कि दिन में 10-10 घंटे काम, मतलब कि खेलते रहते हैं, मतलब कि खाना छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया, कोई भी काम छोड़ दिया, बस गेम में लगे पड़े हैं। फुल नाइट भी कोई कोई लड़के पबजी खेलते रहते हैं। तो ये जो पबजी वाला धंधा है इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं, जो हैबिट है, यह हमारे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालती है, बहुत प्रभाव डालती है। अगर आप दिन में, मतलब कि दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में अगर मान लो कि 8 घंटे सोने के लिए भगवान ने बनाए हैं, राइट? उसके बाद 8 घंटे को छोड़ दो आप, उसके बाद 12 घंटे आप तो मोबाइल पे ही लगे रहते हो। ऑफिस में जाओ तब मोबाइल, घर पे जाओ तब मोबाइल, खाओ तब मोबाइल, खेलो तब मोबाइल, मार्केट जाओ तब मोबाइल, हर समय तो मोबाइल चिपके रहते हैं आपके साथ। तो आपको टाइम कहाँ मिल रहा है कुछ और काम करने के लिए? तो आप दिन के ज्यादातर समय मोबाइल में ही बिता रहे हो, यानी लाइफ के 50% टाइम जो है आप मोबाइल पे ही व्यतीत कर दे रहे हो। अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स को आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, राइट? यहाँ पे इस डायग्राम के हेल्प से जान लेते हैं कि क्लू, रूटीन, रिवार्ड जो है वह हैबिट लूप में आते हैं। क्लू क्या होता है? एट अ सर्टन टाइम, लोकेशन और इफ विद समवन, एग्जांपल एट 11 AM, मतलब कि आप किससे मिलने जा रहे हो कोई लोकेशन पे किसी को, उसको बोलते हैं क्लू। रूटीन क्या हो गया? एक्शन और बिहेवियर, एग्जांपल गो फॉर अ कॉफी ब्रेक, मतलब कि दिन में आप काम कर रहे हो तो 1 बजे आपको कॉफी ब्रेक पे जाना होता है। ये क्या हो गया? एक रूटीन हो गया कि हाँ भाई उस टाइम पे वही काम करना है, उसको बोलेंगे रूटीन। रिवार्ड क्या हो गया? हाउ विल यू फील आफ्टर वर्ड्स, एग्जाम्पल मोर रिलैक्स, मतलब आपको कुछ अवार्ड मिलता है, आपको कुछ रिलैक्स मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, तो आप कैसे फील करते हो उसको बोलेंगे रिवार्ड, राइट? ये हैबिट लूप में आते हैं। फ्रेंड्स, जो हैबिट होते हैं, हैबिट के भी 4 स्टेज होते हैं। द 4 स्टेजेस ऑफ हैबिट जान लेते हैं। क्लू, कार्विंग, रिस्पॉन्स एंड रिवार्ड, ये सब टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है, राइट?
क्लू में क्या होता है, क्लू में होता है कि आई कैन आई सी इट, मैं देख सकता हूँ। जैसे कि आप किस से मिलने जा रहे हो एक सर्टन टाइम पे, एक एग्जैक्ट टाइम पे, फिक्स टाइम पे, तो आप उस बंदे को देख पाओगे उस टाइम पे, राइट। वह हो गया क्लू में आ जाएगा। कार्विंग में क्या होता है, आई लाइक इट, मतलब कि वो बंदा मुझे पसंद आ रहा है, या वो जॉब मुझे पसंद आ रही है, और काम से मैं पैशनेट हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है वो काम, वो हो गया कार्विंग में। रिस्पॉन्स में क्या हो गया, आई वॉन्ट इट, मतलब कि मैं चाहता हूँ, वो काम करना चाहता हूँ। मतलब कि कोई बंदा अगर बैंक में है, वो बैंकिंग का काम अगर उसको अच्छा लगता है तो फिर वो बैंक का ही काम करेगा, वो उसी को रेस्पॉन्ड करेगा, राइट। रिवॉर्ड हो गया आई गॉट इट। आप कोई भी जॉब करते हो, कोई भी काम करते हो, तो रिवार्ड में आपको सैलरी दी जाती है, आपको रेवेन्यू दी जाती है, आप अपने मेहनत से रेवेन्यू जनरेट कर पाते हो, वह हो गया रिवार्ड में। फ्रेंड्स, न्यू हैबिट्स को अपनाने से क्या क्या बेनिफिट होगा, न्यू हैबिट्स को अपनाने से आपके लाइफ में ग्रोथ होगा, अच्छी हैबिट रहेगी तो अच्छा सोचोगे, तो अच्छा करोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे ना यार, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि गुड हैबिट गुड लाइफ, अच्छा हैबिट रहेगी आपकी तो आपकी लाइफ भी है वो अच्छी रहेगी, वो सुखद रहेगी। फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि वीडियो के एंड में आपको एक बोनस पॉइंट दूंगा, तो बोनस फैक्ट ये है फ्रेंड्स कि अगर आप एक न्यू हैबिट्स को अपनाना चाहते हो तो आपको वह चीज कम से कम 30 दिन तक वह चीज को फॉलो करना पड़ेगा, वह चीज को करना पड़ेगा। अगर मान लो कि आप सिगरेट छोड़ना चाहते हो फॉर एग्जांपल, न्यू हैबिट में, न्यू लाइफ में, तो वह सिगरेट आपको 30 दिन तक उसको छोड़ देना होगा, बिल्कुल भी देखना नहीं होगा। और आपको मैं वादा करता हूँ कि आपको अगले 1 तारीख को, 30 दिन के बाद, अगले 31 दिन में आपको सिगरेट पीने का मन नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। तो फ्रेंड्स, अगर न्यू हैबिट्स को आप अपनाना चाहते हो तो 30 दिन तक वो चीज को फॉलो कीजिए, आपके बॉडी में वो चीज प्रोग्राम्ड हो जाएगा, प्रोग्रामिंग हो जाएगा, उसके बाद आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, राइट। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बगल की बेल आइकन को भी हिट कर ले, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सके सबसे पहले। इस वीडियो को पूरे सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना है, क्योंकि ये वीडियो हैबिट्स के ऊपर है, तो इस वीडियो को सबकी जरूरत है, सबको नीड है, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट दे सकते हैं, हमको फीडबैक दे सकते हैं, अगली वीडियो किस पे बना इस पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं प्रिंस शर्मा फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।